एक छोटे से घर के लिए एक लंबा सफर। ये टाइनी हाउस जर्मनी के हनोवर शहर में खड़ा किया जा रहा है, म्यूनिसिपल हाउसिंग एसोसिएशन की एक रिहायशी इमारत के पीछे। एस्टोनिया में तैयार इस मकान को पहुंचाने में 10,000 यूरो का खर्च आया है। अब तक ऐसे 4 घर खड़े किए जा चुके हैं, हर एक की कीमत 80,000 यूरो है। बैंकर डैनियल वाइस ऐसे ही एक घर में रहते हैं। छोटी जगहों पर मैं ज्यादा आरामदायक महसूस करता हूं, लेकिन दिक्कत ये है कि मैं शहरी मिजाज का हूं और ऐसे प्रोजेक्ट शहर में पहले कभी नहीं आए। जितना छोटा घर उतनी ही छोटी वॉशिंग मशीन। इस घर में सिर्फ 30 वर्ग मीटर की जगह है, हर सेंटीमीटर जरूरी है। फिर भी 150 लोगों ने यहाँ रहने के लिए अर्जी लगाई है। मंजूरी पाने के लिए डैनियल वाइस को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देनी पड़ी। जर्मनी में कई जगहों पर घरों की किल्लत है। पहले अच्छी आय वाले लोगों के पास इस तरह के सिंगल फैमिली घर खरीदने का विकल्प था, लेकिन अब उनकी किल्लत हो चली है और कीमतें बढ़ गई हैं। कारपेंटर उल्फ ट्रुबेल और उनकी पार्टनर डाइना राइनेस को इस बदलाव से कारोबार का मौका मिला। वो टाइनी हाउस बनाते हैं और ग्राहकों तक डिलीवर भी करके आते हैं। टाइनी हाउस फैशन में है, छोटे से लेकिन जरूरतों के लिए पर्याप्त। लोग मानते हैं कि ये घर इको फ्रेंडली भी हैं, लेकिन ये बात आंशिक तौर पर सच है। टाइनी हाउस तैयार की गई इमारती लकड़ी से बनाए जाते हैं, इसलिए ये सस्टेनेबल तो हैं। कंक्रीट की बनाई इमारतों की अपेक्षा इनका कार्बन फुटप्रिंट कम होता है। 1 टन सीमेंट उत्पादन में ही करीब 600 किलोग्राम CO2 निकलती है। दूसरी तरफ छोटे घरों में ऊर्जा की कम बचत हो पाती है। हीटिंग भले ही एक छोटे से कमरे को चाहिए, लेकिन इसके मुकाबले बाहरी दीवारें बड़ी हैं, जिससे हीटिंग बाहर निकल सकती है। 2022 में 10 लाख से ज्यादा शरणार्थी जर्मनी पहुंचे, इसीलिए घरों की उपलब्धता कम हो रही है। ऐसे में ऐसे छोटे घरों की मांग बढ़ती जा रही है।